रोटी पकाना और भात पकाना बंद है आप लोगों के लिए। अरे ये दादी आप हमको सवेरे दोगे ना? बाप रे इतना ठंडा है गाइस, मैं क्या बताऊं यार। वैसे लतू ने मेरे से मंगाए थे मोमो, नन्नू ने और लतू ने, उनको ठगाता हूँ मैं। इसमें रखे हैं मैंने गाइस मोमो। आज तो सुदर्शन की दुकान बंद थी तो मैं अंडे लेके आया था। अब देख लो, नहीं तो मैं खोलता नहीं, अंडे हैं निकाल। वैसे ये थैला बहुत काम आता है मेरे ना, जब मैं सामान लाने। पापा मोमो कैसे लगे? अरे बेटा की मोमो बिना बोले मोमो लेके आ गया आज, जादू हो गया दोस्तों। और ये है अंडे, इनको उबालना ठीक है, क्योंकि ठंडे में खाते हैं अंडे। ये देखो इसमें है 6 ज्यादा मोमो लाए यस ज्यादा आज तो अंडे। हाँ एक चटका है शायद इसमें, 10 मोमो लाए 10-11। सब्जी तो नहीं बनाई, सब्जी बनाओ इसकी। हाँ नहीं तो एक काम करो, इसको तल के ना सब्जी बना लो। मैं डालती हूँ दोस्तों थाली में मोमो। अच्छा जी पहले ना ठंडे ये गर्म कर लेना अन्नू पहले तवे में, ठंडे हैं बहुत क्योंकि ठंडे मोमो बिल्कुल अच्छे। देखो देखो खुशी कितनी हो रही है। तो भागी भागी आ गई, दादी के वहाँ छुपी थी। तो ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ, तुम ये गरम कर लो ठीक है। फिर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक और खूबसूरत और प्यारे से व्लॉग में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो देख सकते हैं भाई कितने लालची बच्चे हैं ये, इनके वजह से मैं आज इतने ठंडे में वंटा गया और इनके लिए मोमो लेके आया। आराम से है तो वहाँ गर्म बुला। तो ये चटनी हो गई है, ये चटनी वहाँ रख दो मोमो के। अभी ला रही है, आ जाओ आप यहाँ आ जाओ। यहाँ पहले जमाने में होटल में थी या तो तभी आते हैं। देखो आज जला जुलोगे भी हमने काम किया, और अभी हम खाएंगे। तो मैंने सबसे फेवरेट वाला चुना था जो वो ये था, मैंने पलटा कराओ ये था मेरा। और हम चलते हैं गर्म होने ना, कोई बहुत टेस्टी हो रहे हैं। चलो तो आप बताओ आप कैसे हो रहे हैं, चटनी लगा के नहीं खा रहे हो? मैं सोच रही हूँ और लगाऊं। चटनी कम कम लगाना, मैं मिर्च बहुत हो रही है। मस्त हो यार, मस्त हो रहा। बोला तो झकास, बोलो तो झकास। मोमो इतने पसंद क्यों है आपको? बहुत पसंद, खाऊंगा खाऊंगा मेला में खाऊंगा, गोलगप्पे में मोमो खाऊंगी। गोलगप्पे नहीं खाओगे मेले में? ये खाओगे गोलगप्पे। अपने पापा के बिना ही तुम चालू हो गए, कम से कम मुझको तो आने देते। नहीं कोई जरूरत नहीं है, बोले क्यों लाए तो पापा थे ना। ला मोमो कौन लाया था लतू? मैं। बिना बताए एक जना एक जना राम मम्मी को खिलाओ। अब मैं खिलाऊंगी मम्मी को मिर्च लगाऊंगी, कम डालिए मैंने चटनी। मस्त है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो गाइस कमेंट करके आप भी बताना भाई आपके घर के बच्चे भी मोमो अच्छा मानते हैं, चाउमीन अच्छा मानते हैं। मैं तो मोमो
और आप मोमो आप चाउमीन मोमो सब मोमो वाले हैं रे कभी कभी हाँ डेली खाने के लिए थोड़ा बहुत इतने तेज बच्चे हैं भाई आजकल के कलयुग के बच्चे हैं ना कलयुग के फिर तेजी तो होंगे और इनके लिए मोमो कम से कम एक हफ्ते से डिमांड थी ठीक है। आज जाके मैं लाया वो भी अचानक से मुझे याद आई क्योंकि वो मार्केट में मैं गया था तो मैंने कहा यार मोमो मोमो तो कह रहे थे यार ले जाता हूँ और सच में ये मोमो ना 10 पीस थे 10 ही पीस बचे मतलब 10-11 पीस बचे थे उसके पास मैंने कहा जितने सभी डाल चाय गर्म कर रहे हो अब पहले ही कर देते दिखाओ मुझे मैं गैस जलाऊंगी ऑन ही तो है कैमरा मैं कह रहा हूँ कि पहले कर देती चाय गरम मोमो खाने की तो पहले हुई थी आज ही करती चाय गरम आज मोमो लाए थे ना पापा तो चाय गरम कर लिए मैं ही तो कह रहा हूँ ठंडी निकालो हाँ ये ना बात अब हम गिलास के ऊपर रखो ठंडी गिलास ले वहाँ से ननू को तो अब पूरा काम आने लग गया ना आटा गूंदना चाय गरम करना मोमो फ्राई करना एक की कल आटा गूंथते हुए तो चुंगम डाल दिया था तुमने तो वो पिज्जा बन गया था तो फिर आज मोमो खा ही लिया फिर अब बता बहुत मजा आया दोस्तों अब मैं कम से कम एक महीने बाद लाऊंगा अब मत करना जिद ठीक है नहीं नहीं सर तो ठंडे महीने में जाके मोमो ही तो खा ले एक महीने क्या वहाँ अच्छे नहीं होते मोमो धूल धूल वाले नहीं होते तो गोल गप्पे फिर नहीं वहाँ सारी चीज धूल धक्कड़ वाली होती है भूखे जाएंगे भूखे जाएंगे खाली घूमते के जानते ऐसे आ जाएंगे टॉफी वफी खा के हेलो क्या पका और आपने टिफिन में क्या रख रखा है एप्पल है आप लोगों के लिए अरे ये दादी आप हमको सवेरे दोगे ना ये सवेरे देंगे एप्पल धो के काट के हमने साफ करके इसमें रख दिया है आपको सुबह मिलेगा अभी हमने गदेरी की सब्जी अरे वाह किसकी सब्जी है ये गदेरी अरे दादी मैं भी बना सकती हूँ गदेरी की सब्जी है ये और रोटी बनाई अच्छा रोटी दिखाओ जरा गर्मा गर्म मस्त वाली रोटी इधर रखी अरे वाह ये रोटी है अच्छा रोटी है अच्छा ये गदेरी की सब्जी है रोटी है और दादी आज ना मैंने ना पापा मोमो लाए थे मोमो गरम कर रहे और मुझे ना वो भी गूंदना था आटा और आपको बात बताऊं पहले जमाने में मेरा एक होटल था कई बड़ा उस होटल का नाम क्या था उस होटल का नाम था बड़ा होटल नन्नू का और अंग्रेजों ने वो बंद करा दिया मेरा होटल बड़ा होटल नन्नू का नहीं था वो था किसका बताओ वो मेरा ही था काजल होटल अच्छा हाँ ये दादी ने सही बात की काजल होटल और अंग्रेजों ने दादी वो बंद करा दिया अंग्रेजों ने फिर गांधी जी ने आके उनकी हड्डी तोड़ दी फिर सुन ने मेरा खुला ही नहीं फिर गांधी जी ने कहा था ना कि अब तुम घर में बनाना जब तुम 10 साल की होगी अच्छा मस्त चीजें बनाना फिर मैंने आज पापा के लिए चाय गर्म की कई मजा आ गया मुझे तो अच्छा और अभी मैं बताती हूँ क्या गरम किया मोमो मतलब वो भी है चाय बनाई उसको आटा गूंदना भी आता है रोटी बनाना भी आता है अच्छा अल्लाह तूने क्या पहन दादी आपकी चूड़ी पहन रखी अल्लाह तूने कोई बात नहीं पहन ले अच्छा और आज आपने हीटर नहीं जलाया नहीं जलाएंगे थोड़ी देर में जब खाना है ना दादी खा लोगे ना तब अरे घी लगा कर इसने हीटर ऑन कर दिया इतना ठंडा लगता है तू भी खाएगी क्या गटेरी की सब्जी नहीं खाऊंगी अच्छा ये तो कह रही थी ये खाने के लिए आई थी आपको दे दूं आपने नहीं खाया अभी मैंने खा लिया अच्छा खा लिया आपने वाह दादी ने ये खा ली थी हम इनको सब्जी दूं रोटी दूं दादी अभी लट्टू के लिए प्लेट तैयार करती है ना गटेरी की गर्मा गर्म सब्जी के साथ अरे आपने चावल का आटा नहीं रखा है चावल का आटा नहीं बनाया है मैंने
अच्छा अभी नहीं है और उसके ऊपर लगेगी घी दोस्तों। ये अभी की प्रार्थना है तो घी खिलाती है मेरी माँ। तो चलो अभी जल्दी सोता है गर्मा गर्म रोटी मैं खिला दूँ। हाँ कह रही है वाह अब खिलाएगी दादी दोस्तों। ये तो पक्का दिखाना पड़ेगा इसको बंद करना है बंद हो जाएगा हो गया ना मैंने बंद कर दिया गीतार गीतार लेते हुए जनगण में सीधे खड़े होते हैं डांस कर रही है। अरे वाह करो बताना कैसी हो रही है दादी की आज की गड्डेरी की सब्जी और रोटी बोलो बहुत ही अच्छी दो भैंसों का घी लगा कर कैसी अच्छी रही है बोलो बहुत मस्त बहुत झक्कास अच्छा बहुत टेस्टी हो रही है अभी और खाओ हाँ गड्डेरा का सब्जी खाते समय बोलना नहीं आपको भी खिलो नहीं मेरा भी पेट भरने की जैसा लग रहा है। दादी जो आपके पास मिर्चों का अचार है बहुत सारा वो मुझे देना क्योंकि ना स्कूल का मैं वो ही ले जाती हूँ और उसके साथ में दो पराठे खा लेती हूँ। ठीक है दे जाना अभी मैं लाऊंगी कटोरी पानी तो एक बार मैं लेकर आती हूँ ठीक है। तो शुरुआत हुई थी मोमो की चाउमीन की जो मम्मी चीन से होती है चाइनीज लोग तो खा लेते पहले चीन से आया है ये मोमो चाउमीन देख चाउमीन चीन चाउमीन चाउ चाउ चीन वहाँ ऐसे कहते थे चीन में छोटी आँख वाले ऐसे ऐसा करते देख चीनों चीन वालों की कैसी आँख होती है चाउमीन चाउ चाउ चाउमीन चाउ चाउ। और आपको चीन की भाषा आती है हाँ गाओ नन्नू उठ जाओ कहाँ है दो आटा आटा गूद गाद के सो गई है चल उठिए तेरे मैं देख स्पेशल खाना लेके आया हूँ फाइव स्टार होटल से मेरा ही होटल तो था वो अंग्रेजों ने बंद करा खा के बताओ कैसा है ये देखो ये परोठा है ये है अचार ये है परोठा और ये है हरी सब्जी खा के बताओ एक गास पहले परोठे और हरी सब्जी के साथ पहले हम क्या करें कड़बा में वो अस्सी नब्बे पूरे से अचार टेस्ट अचार या ये मैं एक साथ मैंने बहुत बस रसी लिया और मैं रही दो भैंसों का घी नहीं खा रही हूँ कोई बात नहीं परोठे के साथ नहीं खाते हैं हाँ यही तो अंडा तोड़ेंगे और फिर सब्जी के साथ सब्जी तो बहुत तगड़ी हुई है बहुत तगड़ी हुई है हरी मिर्च भी है मूली भी है ये कांकड़ के लिए भाई खाना तैयार ऊपर जाने की तैयारी हो गई दोनों ने खाना तो खाया नहीं खाली बस और ऊपर फ्रिज में जूस रखा है हाथ मत लगाना उसको जो खाना नहीं खाएगा उसको जूस कुछ नहीं मिलेगा अच्छा सो गाइस ये अंडा और अंडे की सब्जी ऑमलेट घी वगैरह ये कांकड़ के लिए तैयार हो रहा है भाई खाना स्पेशल वाला जल्दी निकालो ना भाई जल्दी निकालो क्या जल्दी निकालो
थोड़ा ही बचा है इसमें वैसे भी। इतना बचा है और हम तो पियेंगे एक गिलास भाई फुल। कुछ नहीं पियोगे एक गिलास ला है? फुल डालना है आपको तो डालना है आपको तो डालना है आपको तो डालना है आपको तो बस। चल फटाफट पी फिर ये पियेगी इसी में। अगर आपने मुझे इतना सा दिया ना तो मैं आपके जूते एक ही जूता रखूंगी दूसरे। गाइस सबने खाना खा लिया है, फिर बच्चों ने जूस पी लिया है, कांकर ने भी अपना खाना खा लिया। तब इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर स्टॉप किया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से और प्यारे से व्लॉग में। लेकिन उससे पहले भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के करते रहिए। ठीक है, तो ठीक है, रखिए अपना ध्यान, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।